एक ही रात में चार दुकानों से लाखों की चोरी। छपिया थाना क्षेत्र के भोपतपुर बाजार में अज्ञात चोरों ने चार दुकानों को निशाना बनाया। दुकानें पुलिस सहायता केंद्र भोपतपुर से महज 100 मीटर की दूरी पर थी। भोपतपुर बाजार में विनय वर्मा की मेडिकल स्टोर की दुकान है। वो रोज की बात शुक्रवार की रात दुकान बंद करके घर चले गए। सुबह आए तो दुकान का ताला टूटा देखकर भौचक रह गए। दुकान के अंदर जाकर देखा तो दुकान में रखा लगभग 1,00,000 रुपया गायब था। चोरों ने दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे को तोड़ दिया था। इसी के 10 कदम की दूरी पर चोरों ने एक रेडीमेड दुकान का भी ताला तोड़ा, लेकिन चोरों के हाथ कुछ भी नहीं लगा। अब तीसरी घटना पुलिस सहायता केंद्र से मात्र 300 मीटर पर एक सिलाई सेंटर को निशाना बनाया गया। चोरों ने सिलाई सेंटर का ताला तोड़कर दुकान में रखे 4,000 नकदी समेत कपड़े चुरा ले गए। और चौथी घटना रौनक ऑटो पार्ट्स की दुकान से संबंधित है, जो मोबाइल चेन, स्पॉकेट सहित अन्य सामानों पर हाथ साफ किया गया। दुकानदारों ने छपिया थाना में तहरीर देकर चोरी के खुलासे की मांग की है। चोरी की घटना के बाद मौके पर क्षेत्राधिकारी एस के रवि, क्राइम प्रभारी निरीक्षक मनीष, डॉग स्क्वाड, मोबाइल फॉरेंसिक टीम ने पहुंचकर जांच पड़ताल किया। इस संबंध में क्षेत्राधिकारी मनकापुर का कहना है कि दुकानदारों की तहरीर पर अज्ञात चोरों के खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है, जांच पड़ताल शुरू। तो ये थी इंडिया टाइम्स समाचार एजेंसी के लिए गोंडा से ब्यूरो रिपोर्ट।